हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया मैं क्लास रिकॉर्ड करने में। कल रात को अपडेट किया था तो थोड़ा उसमें इंस्टॉल होने में। चलो हमारे चैप्टर कंप्लीट तो हो ही जाएगा। ठीक है, उठ लाऊंगा। ठीक है, उठ लाऊंगा। ठीक है, उठ लाऊंगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लिया। तो हम बेसिकली क्या पढ़े थे? इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस तो हमने क्या क्या पढ़ लिए थे? फंक्शंस में अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स की, जो सिंबल्स अलॉट करते हैं, डेट फिक्स कर, इलेक्शंस की डेट फिक्स कर, इलेक्शंस की डेट फिक्स करना, टाइम पीरियड गवर्नमेंट बताती है, लेकिन उस टाइम पीरियड में किस डेट पे करना है, डेट पे क्यों नहीं करना है, नहीं करना है, तो उसका रीज़न भी ये बताते हैं। पोलिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है ना, है ना, है ना। टेक्निशियन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, रिप्रेशन इलेक्टोरल रोल है ना, और ऐसे ये तीन जगह का, ये तीन ऐसे हमारे जगह है ना, इनको पढ़ते हैं। तब लिखा है स्क्रूटनी, नॉमिनेशन पेपर। स्क्रूटनी मतलब था, स्क्रूटनी मतलब होता चेक, मींस का था चेकिंग, मींस का था चेकिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर मतलब क्या? नॉमिनी के जो पेपर्स होते हैं, नॉमिनी के जो पेपर्स होते हैं। तो वो कहता था कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शंस एंड द डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। नो इकोनॉमिक समझ में नहीं आया। अरे सपोज करो, भारत में को एक अलग से, मेरे को अलग पार्टी बनानी है। सपोज करो मैं एक पार्टी में अच्छा था, उसका नाम है भाजपा नहीं रखता हूँ मैं, इसका नाम बीजेपी नहीं रखता हूँ। अरे एक ये बात है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ कांग्रेस। चलो मैं इसका क्या नाम, सपोज करो मेरी पार्टी का नाम एक्स जेड है, मेरी पार्टी का नाम एक्स जेड है। वैसे टाइम पर नाम भी याद नहीं आएगा अच्छा सा। सपोज करो मेरी पार्टी का नाम एक्स जेड है। अब मेरी पार्टी का नाम तो एक्स वाई जेड है, लेकिन मेरी पार्टी में से वो इलेक्शन के लिए खड़ा कौन हो सकेगा? जो इनसे खड़ा होगा, फिर 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 खड़ा होगा, तो उसकी डिटेल्स वगैरह हम वहाँ पर सबमिट करेंगे, नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन में? हाँ, तो उन पेपरों को बोला जाता है नॉमिनेशन पेपर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो सर हम ये देंगे तो उनकी चेकिंग होगी, ऑब्वियसली होगी ना। आप अगर मानो बड़े, आप इंडिया में रह के वोट लड़े, आप हुए पाकिस्तानी, आप हुए आतंकवादी, फिर तो इसलिए आपके पेपर्स की फिर क्या करनी है? स्क्रूटनी। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, द कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन एंड द डेट ऑफ फाइलिंग रिकॉर्डिंग। हो रही है, हो रही है। अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन एंड द डेट ऑफ पेपर्स एंड नॉमिनेशन पेपर्स एंड द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल फॉर नॉमिनेशन। अगर किसी को इलेक्शन में नहीं लड़ना, नहीं खड़ा होना, तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ मतलब वापस भी आ सकता है, ठीक है, बाहर भी आ सकता है। स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन इज मेड बाई द रिटर्निंग ऑफिसर। सर जो स्क्रूटनी करेगा इन डॉक्यूमेंट्स की, इन एप्लीकेशन फॉर्म के, वो कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, ठीक है। और फिर सर जी, और ये क्या क्या करेगा? द रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू वेरीफाई वेदर द प्रोविजन कंसर्न इन द डिपॉजिट इलेक्शन सिंबल हैव बीन फुलफिल्ड या नहीं। वो देगा इन सब के रिगार्डिंग जो प्रोविजन्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे फुलफिल हुए हैं नहीं हुए हैं, सारे फॉलो किए गए हैं नहीं किए हुए हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस 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 इलेक्शन में खर्चा तो बहुत होता है, आपको पता होगा। स्क्रूटनी की जाती है, उसकी भी चेकिंग की जाती है, उसकी भी ऑडिट की जाती है, कि मालूम पड़े कहीं कोई किसको लालच दे तो नहीं रहा जो खर्चा कर रहा है। एक पब्लिशिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा हो रहा है तो अच्छी बात है। मालूम पड़े किसको लालच दे के वो बोर्ड खरीद रहे हैं, कहीं वो खर्चा इस तरह का तो नहीं कर रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइज द अकाउंट्स ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस सबमिटेड बाय कंटेस्टेंट, मतलब कैंडिडेट्स जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो लोग जो खर्चे करते हैं, उन्होंने जो एक्सपेंस अपने सबमिट किए हैं, उनकी चेकिंग होगी। इन ऑर्डर टू डाउन प्ले द रोल ऑफ मनी इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन, द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स शुड सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू द रिटर्निंग ऑफिसर। इन ऑर्डर टू डाउन प्ले द रोल ऑफ मनी इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन, डाउन प्ले मतलब क्या? लोग पैसे देकर इलेक्शन कर रहे हैं ना, चीज़ों पर क्यों इतनी चीज़ों पर क्यों इतनी चीज़ों पर क्यों इतनी चीज़ों पर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? सब लोग, दो पार्टी हैं, दो पार्टी है। एक इंसान है जो इलेक्शन होने से पहले सपोज करो सबों को मोबाइल बांट रहा है, और एक कैंडिडेट है जो कुछ भी नहीं बांट रहा, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं आगे जाके तो मैं तो अच्छा काम करूँगा, मोबाइल बांटने से होगा, मैं तो उनकी एजुकेशन फ्री करूँगा, लेकिन आगे जाके, अभी नहीं, इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान आगे की नहीं देख रहा, इंसान अभी की सोचता है।
तो इंसान तो उसको बोर्ड दे देगा ना, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो उसको अभी दे रहा है, अभी जो मोबाइल दे रहा है ना अभी जो, तो ये शेयर ऐसा नहीं, 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 तो ये शेयर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए, और उन लोगों से और उन लोगों से और उन लोगों से उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी मांगे जाते हैं, और वो रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किए जाते हैं कि लोग कहाँ खर्चा कर रहे हैं। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर है जिन स्टेटमेंट्स को कहाँ देता है, कमीशन को देता है ना, फॉर स्क्रूटनी। द इलेक्शन ऑफ विनिंग कैंडिडेट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इलेक्शन जो है ना, जो कैंडिडेट जीत गया डिक्लेयर, उसका ना इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कोई जीत के इलेक्शन में उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? अगर वहाँ पर कोई मेल प्रैक्टिस को फ्रॉड वोट लिए हैं, तब उसको है, 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 तब उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी उसको विनर से लूजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं जीतने के बाद भी, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शन। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स इलेक्शन डिस्प्यूट पिटीशन। सर क्या कह रहे हैं? सपोज करो अपने आपको सब 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 आपके मोहल्ले में भाई भाई कह के बुलाते हैं, तो हम लोग तो इन एलिजिबल हो गए। तो ये सारी बातें कमीशन ने तो स्क्रूटनी कर ली, कमीशन को पता चल गई। अब कमीशन बातों को अपने पास रखे क्या करेगा, अब बताओ। तो वो किस ना किस को बताएगा। हाँ तो बताएगा किस किस को बताएगा वो सारी चीज़ों की रिगार्डिंग? प्रेसिडेंट को बताएगा, आप जो स्टेट में रहते हो स्टेट के गवर्नर को बताएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स सारे बताएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया डिस्क्वालिफिकेशन का, वो सारी चीज़ें बताएगा वो, है ना, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, ठीक है। आपका चैप्टर ख़त्म। ये कुछ टर्म्स से आप पढ़ लेना एक बार को, पूरा चैप्टर आपको होमवर्क में जाता है, ठीक है। चैप्टर नहीं मिला, क्वेश्चन आंसर और बस पोइम का चैप्टर निकाल लीजिए। द हार्ट ऑफ ट्री। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, 12th में अभी 1 मिनट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम बचेगा मेरे पास तो मैं आपको नोट, डोंट वरी, मैं पढ़ा। वॉट डज ही प्लांट, वॉट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री। हाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी, बहुत अच्छी लाइन, आपको सर नहीं समझ में आई होगी, मतलब बहुत अच्छी लाइन लिखी। पहली लाइन मैंने पढ़ी आज से पहले, मैंने ये पोएम नहीं पढ़ी सच्ची तौर पर, अभी मैंने फर्स्ट टाइम लाइन पोएम पढ़ी है, पहली बार पहली लाइन पढ़ी, बड़ी अच्छी लाइन है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, ये इसका आंसर ही दे रहा है, ये इस लाइन का आंसर है। चल मैं बाद में समझाऊंगा आपको। प्लांट्स ये प्लांट्स ये प्लांट्स का फ्लैग ऑफ ब्रिजेस ट्री, ब्रिजेस अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना। सेफ ऑफ ब्यूटी द सेफ ऑफ ब्यूटी द सेफ नहीं पता हो तो ये नोट कर लेना। टावरिंग टॉप का पता होगा। हाय ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एन आई एनी, है ना, एनी, ये लिख लेना। फर्स्ट सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ वर्ल्ड, मदर क्रून लिख लेना। इन हर्स्ट हैप्पी टू लाइट हर, टू लाइट नहीं पता तो ये लिख लेना। द ट्रेबल ऑफ हार्मनी, हार्मनी दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, ओहो बहुत अच्छी लाइन है। और डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स कूल सीड एंड सीड अ बर्ड एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, हेरिटेज शायद आपको नहीं पता होगा। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आई सेल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स।